खास करके उन लड़कियों के लिए भी बहुत मायने रखता है कि जो इस मूवी को देखेगा, शायद आने वाले टाइम में उनके साथ अगर कुछ गलत हो तो उससे बच सकते हैं। तुलना करके आपको एंटरटेनमेंट की अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, एंटरटेनमेंट इज नथिंग, लेकिन जो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी में आप एंटरटेनमेंट नहीं देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं लव जिहाद अब तक नहीं मानता था। इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि लव जिहाद वाले क्या करते हैं। ये मूवी सब हमारे हिंदू भाइयों को जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। आज हम आए हुए हैं देखने के लिए मूवी का रिव्यूज यूएस सिनेमाज में, और देखना है किस मूवी का रिव्यूज, द केरला स्टोरी। आइए जानते हैं आज की क्या है दर्शकों की राय इस मूवी के लिए, और देखना ये भी होगा कितना रोमांच है दर्शकों में, क्या क्राउड है जो इस मूवी को देखने के लिए आ रही है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला इस मूवी में, निर्देशन, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, वाट एवर द थिंग्स दैट हैव सूटेड इन दिस मूवी, क्या होगा दर्शकों का रिएक्शन, कैसा उन्हें महसूस होगा इस मूवी को जान करके। आइए जानते हैं आज और क्या कुछ खास रहने वाला है आज के इस मूवी में। जैसे देख सकते हैं एग्जिट हो चुकी है। सर, आपसे दो मिनट के लिए बात करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मूवी देखकर आपको कैसा महसूस हुआ। जस्ट फैंटास्टिक मूवी, बहुत ही शानदार बनाई है, और किसी भी रिलीजियस को मानने से पहले इंसानियत को मानना जरूरी है। मतलब इंडिया में जो हो रहा है ना, उसे बहुत ज़्यादा मतलब बदलने की ज़रूरत है, और इसमें गवर्नमेंट को मुझे लग रहा है कि इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि जो पिक्चर में इमोशंस और जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो ब्रेन वॉश का स्कीम ये चल रहा है, खतरनाक है। सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखकर क्या आपको लगता है, मतलब ये मूवी बनी है फैक्चुअल है? मूवी बिल्कुल फैक्चुअल है और सभी को देखनी चाहिए। मैं ऑल ओवर इंडिया के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विशेषकर लड़कियों से, यंगस्ट को, कि आके स्टोरी देखें कि कैसा उनके ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें यूज कैसा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को देखनी चाहिए। एजेंडा बेस्ड लगी आपको ये मूवी या नहीं लगी? एजेंडा बेस्ड है। अच्छा, बिल्कुल एजेंडा बेस्ड है और रियल है। मैं खुद इस लाइफ में देख रहा हूँ कि बहुत ही जेन्युइन मूवी जो अपने सोशल में हो रहा है ना, वही दिखाया उसने। थैंक्स। वी वांट टू नो योर रिएक्शंस आफ्टर वाचिंग दिस मूवी। सर, कैसा लगा, मतलब क्या कैसा फील? हार्ट टचिंग। आई थिंक दिस इज द रियलिटी। जैसे कि लोग कह भी रहे थे कि शायद ये एजेंडा पर्पस से चलाई गई मूवी है, ऐसा कुछ वगैरह, कॉन्सेप्चुअल लगी आपको? कैन नॉट से एजेंडा पर्पस नहीं, बट यस, इफ इट इज ट्रू देन एवरीबडी मस्ट टू नो, एवरीबडी मस्ट टू से दिस इज ट्रूथ एंड एवरीवन मस्ट नो। अदर शर्मा की एक्टिंग कैसे लगी? Acting is the other part. The thing is that, you know, acting is of course good. कैसी लगी आपको ये मूवी? ये मूवी सब हमारे हिंदू भाइयों को जरूर देखनी चाहिए। ऐसा है, मोदी और योगी बहुत जरूरी हैं भाई, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहें, मूवी में लोग कह रहे थे कौन एजेंडा बेस्ड मूवी है और इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा काम कर रहा है, केवल मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट ओनली वन थिंग है, जो मोदी और योगी की ज़रूरत है, सब लोग साथ दें उनका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने मतलब अवेयरनेस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप यू कैन सी एवरीथिंग यार। मतलब दिल दुखता है ये देख के, दिल दुखता है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जय श्री राम। जो मोदी और योगी कर रहे हैं, डैट इज़ ग्रेट, दे आर ग्रेट। मूवी फैक्चुअल है? बिल्कुल फैक्चुअल। आप भी सहमत हैं? जो भी द कश्मीर फाइल्स को जो लव किया होगा, That person, they will also love to this movie as well, the Kerala story. आपको मतलब इस मूवी सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सबसे अच्छी चीज क्या? इसमें जो भी दिखाया गया, रियल स्टोरी दिखाई गई, जो केरल की जो लड़कियों के साथ हुआ, जो कॉलेज से पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, वो इस मूवी में देख के, और उनके पेरेंट्स, और ख़ास करके उन लड़कियों के लिए भी बहुत मायने रखता है कि जो इस मूवी को देखेगा, शायद आने वाले टाइम में उनके साथ अगर कुछ गलत हो तो उससे बच सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसे भी लोग कह रहे थे कि ये मतलब ये एजेंडा बेस्ड मूवी है, फिर बदनाम करने के साथ ये जो भी पॉलिटिकल वाले हैं, ठीक है, जिसमें मोदी और योगी को जो इनको चाहते हैं कि हर चीज़ को इनको नाकाम किया जाए, जो भी जो कहते हैं कि नहीं ये हिंदू समथिंग, मुस्लिम या समथिंग, इस चीज़ को देखते हैं, तो वो लोग हमेशा इसके खिलाफ रहेंगे। वो ये इस मूवी के लिए वही लोग खिलाफ रहेंगे जो द कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, जितने लोग खिलाफ थे उतने लोग इस मूवी के लिए भी खिलाफ रहेंगे। और जितने लोगों ने भी द कश्मीर फाइल्स को प्यार किया, जितने लोगों ने देखा, वो हमें लगता है उससे भी ज़्यादा लोग इस मूवी को भी देखेंगे। मूवी में सस्पेंस और थ्रिल कैसा था?
सस्पेंस भी था और तीसरी बात दो सप्ताह इसमें। तुलना मिला करके आपको एंटरटेनमेंट के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, एंटरटेनमेंट इज नथिंग, लेकिन जो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी में आप एंटरटेनमेंट नहीं देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट इज समथिंग डिफरेंट वेयर यू कैन जस्ट फॉर द फन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। जो मिलेगी रियल स्टोरी मिलेगी। आप मूवी देखोगे ना तो कभी आप हंसते हुए नहीं निकलोगे, इस मूवी को देख के हंसते हुए नहीं निकलोगे। और सब मूवी में अभी इसके पहले जो भाईजान केरला गर्ल्स, अगर उनके साथ ये हुआ है, क्यों अंचित अगर उनके साथ ये हुआ है तो मतलब रियली रियली वेरी शेमफुल अगर ये हुआ है तो। इट्स अ वेरी गुड मूवी, कुछ किसी के प्रति भड़काया नहीं जा रहा है, इट्स अ नॉर्मल मूवी, जो फैक्ट्स है वो दिखाया गया है, सोशल कंडीशंस को ध्यान में रख करके बिल्कुल जो है एक्चुअलिटी दिखाई गई। हाउ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ट्रस्ट मी, मैं लव जिहाद अब तक नहीं मानता था, इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि लव जिहाद वाले क्या करते हैं। हाउ दे फूल गर्ल्स, दे आर वेरी इनोसेंट, ये इससे पोर्ट्रे किया गया है। मतलब आई नाउ आई कैन फील, मैं ट्रस्ट मी इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम मैं देखता हूँ लव जिहाद क्या होता है, टुडे आई केम टू नो हाउ वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। मतलब गॉड ब्लेस केरला गर्ल्स, दिस इज प्रेजेंट, ये हो रहा है। फाइनल रिएक्शन क्या था मूवी देखने के बाद, अभी जो सबसे लास्ट एक इमेज छपती है मूवी की, क्या देखिए, मैं देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदू नॉ मुस्लिम, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, जो गलत है वो गलत है। एक्चुअली क्या है, एक बहुत एक आई ओपनर भी यहाँ पे देखा मैंने, मतलब देर वेर फोर, एक इस्लामिक, हिंदू एंड ऑल, जो मुस्लिम थी देर वेर अवेयर ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है, मुस्लिम अपने बारे में बोलते हैं कोई बुराई नहीं है, क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में पता था। सैड पॉइंट क्या था, दो हिंदू लड़कियाँ अपने रिलीजन के बारे में अवेयर नहीं थे। दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ हिंदू अवेयरनेस। अरे मैं अगर इफ़ आई एम बॉर्न इन हिंदू फैमिली और मैं हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं गलत कहाँ हूँ? अगर आप मुस्लिम हो आप मुस्लिम को प्रमोट करो। बट सैड पॉइंट इन दिस मूवी कि दो फीमेल जो थी उसको अपने रिलीजन के बारे में पता नहीं था। दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ हिंदूज, यानी कि उस आयरनी को, उस विडंबना को दिखाया गया है। दिस इज़ द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को पढ़े लिखे समझ रहे हैं, मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ राइट, बट वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर आई बींग अ हिंदू आई शुड फील प्राउड, मैं अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए। जो आज की डेट में जो बोलते हैं व्हाट क्यों पढ़े लिखे हिंदू जो कह रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। इस मूवी को देखने के बाद भी अगर जागेंगे नहीं तो प्रॉब्लम है दोस्त। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पर दर्शकों का कैसा रिएक्शन था इस मूवी को देख के, द केरला स्टोरी। और सच में जिस तरह से इसके ऊपर लगातार बातें हो रही थी कि शायद एजेंडा बेस्ड मूवी है, शायद इसके बारे में एक तरह से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आपने दर्शकों का रिएक्शन देखा, उनके नारे देखे, उनके हाव भाव देखे, उनके एक्सप्रेशंस देखे, सब देख करके यही समझ में आ रहा था कि अभी तक जिस तरह से दर्शकों का इस फिल्म को, आज फ्राइडे है और आज हम लोग इस मूवी का रिएक्शन ले रहे हैं द केरला स्टोरी का, और फ्राइडे में भी हम लोग देखा हॉल में एक एवरेज, ऑन एन एवरेज अटेंडेंस अच्छी खासी थी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दर्शक इसे फ्राइडे को अगर इस तरह से देख रहे हैं तो वीकेंड्स में सैटरडे संडे को ये फिल्म वाकई कमाल करने वाली है। अभी हम लोग और भी जानेंगे इस मूवी में, हम सबसे जानेंगे कि कैसा महसूस हुआ, निर्देशन, डायरेक्शन, एक्शन, थ्रिलर, सब कुछ के बारे में बहुत ही तफसील से, बहुत ही आराम से आपको सारी जानकारी देंगे, जुड़े रहिए। तो केरला स्टोरी की आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑडियंस ये जो कि अभी मूवी देखने वाले हैं, इनकी शो है, और क्या सोच कर आए हुए देखने के लिए। टीजर शायद इन्होंने देखा होगा या नहीं देखा, जो कुछ भी है आइए जानते हैं कि फिल्म को देखने से पहले कैसा रिएक्शन और क्या सोच कर आए हुए दर्शक देखने के लिए मूवी द केरला स्टोरी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि मूवी क्यों आए हैं आज आप देखने। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और जनरली मैं मूवीज़ कम ही देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू या कुछ ऐसी सोशल वेलफेयर टाइप की मूवीज़ होती हैं जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई, इस टाइप की मूवीज़ तो वही मैं देखता हूँ। तो ट्रीज़र या ट्रेलर जो मैंने देखा तो उसमें काफ़ी हॉरिफिक इंसिडेंट्स लगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने मतलब पढ़ा भी और उससे पहले भी अवेयर था, तो एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ क्या मतलब मूवीज़ में किस हिसाब से फैक्ट्स को दिखाया गया है। इससे पहले कश्मीर फाइल्स में देख चुका हूँ तो वो भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो दबाए जाते हैं, जो बाहर नहीं निकाले जाते,
कि कुछ मतलब वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो या किसी भी प्रेशर की वजह से, बट अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि ऐसे जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं उनको मूवीज़ की फॉर्म में, क्योंकि इन जनरल पढ़ाई या यूट्यूब से ज़्यादा मास पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है, बट मूवीज़ की फॉर्म में वो बहुत स्प्रेड हो जाता है चीज़ें। इन टोटल आप अभी फैक्ट देखने के लिए आए हुए हैं कि मूवी किस प्रोस्पेक्टिव से बनाई गई है, क्या मूवी में जो है फिल्मांकन कैसा किया गया, मतलब सब कुछ आप फैक्चुअलिटी इसकी देखने का हूँ। जानता तो हूँ मैं जो भी फैक्ट्स हैं, जो कोर्ट या जो इससे पहले कहानी पूरी लव जिहाद या इससे रिलेटेड जो रही है, देखता हूँ मूवीज़ में किस हिसाब से दिखाया गया है, मूवी किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ओके सर, अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा और बताइए क्यों आखिर आज आप आए हुए हैं इस मूवी द केरला स्टोरी को देखने के लिए। मेरा नाम लविन शर्मा है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। जैसा सर ने बताया कि उसी ब्याह पे मैं यहाँ पे देखने आया हूँ। जैसे कि अभी जो उनकी लड़कियों की पिक्स थी, तीन लड़कियाँ हिंदू थी, एक लड़की हिजाब में थी, उसके बाद जो चार लड़कियाँ हिजाब में आई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो लव जिहाद से थोड़ा सा सिमिलर है, तो उसी ब्याह पे मैं पूरी मूवी का एक तरीके से देखने आया हूँ यहाँ पे। आप देखना चाह रहे हैं कि मूवी में एक्चुअल मतलब क्या फैक्ट है उसका उसी ब्याह पे, और सोशल कंडीशंस को जो है आपको लग रहा है क्या, मतलब सोशल कंडीशंस में कुछ ध्यान में रखकर की ये सोशल कंडीशन भी हो सकता है। बाकी जैसे सर ने बताया कश्मीरी फाइल थे, उसमें क्या है, उसमें रियलिटी थी। जैसे पहले भी एक पिक्चर आई थी कश्मीरी फाइल से रिलेटेड, दो पार्ट निकाले थे, उसी भी आप में मतलब मैं देखना चाहता हूँ केरला में क्या चल रहा है, सोशल एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इन शॉर्ट आपने देखा व्यूअर्स ये देखना चाह रहे हैं कि केरला स्टोरी मूवी की फैक्चुअलिटी क्या है, क्या वास्तविकता है, क्या सच में ये किसी सच्ची इंसिडेंट से प्रेरित होकर के बनाई गई है, समाज में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है आम लोगों को क्या सच में पर्दे पर वैसा ही उतारा गया है। ये सारी बातें अभी हम लोगों ने देखी जानी और अभी भी देखा है कि ये इन्होंने दोनों ही सर ने अभी तक मूवी नहीं देखी है, लेकिन ये रिएक्शन अपना ऐसा दे रहे हैं कि हाँ वो इस चीज़ को देख करके काफ़ी खासा प्रभावित हैं और देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्या तथ्य हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बेस्ड है मूवी।